بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस विद ऑल पार्ट्स कवर किए थे और हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का तरीकाकार सीखा था। क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखा कि डिस्क्रिमिनेंट के जरिए से हम किसी भी इक्वेशन के जो पॉसिबल रूट्स होते हैं उनकी नेचर किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पहले दो क्वेश्चंस में इन दो कॉन्सेप्ट्स को सीखा, इनको क्लियर किया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो यूं तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन 3 की बारी है, लेकिन इससे पहले हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को पहले क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन 4 देखिए जी, इसमें क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आप के की वैल्यू फाइंड करें, जो कि आपको इन तीनों पार्ट्स में एक अननोन वेरिएबल आपको नजर आ रहा है जो कि के है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, अगर इन तीनों इक्वेशंस के जो रूट्स हैं अगर हम वो मान लें कि वो इक्वल हैं तो फिर आप के की वैल्यू फाइंड करें कि वो क्या आएगी। ये था हमारा क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हमारे सामने है और हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है और आपको ये कहा गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है बेटा, आपने अपने गुज़िश्ता दोनों लेक्चर्स में ये बात सीखी है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो हो तो रूट्स इक्वल होते हैं, जो जो आप एक्स की दो वैल्यूज निकालते हैं वो हमेशा सेम आती हैं। ठीक है, यानी रूट्स इक्वल होते हैं। इसी बात को अगर हम रिवर्स करके अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी आई मीन टू से कि अगर हम इस बात को यहाँ पे लिख लें, इस जगह पे हमने ये पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है देन रूट्स आर इक्वल। ये बात तो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ी हुई है। ठीक है, आज हम इसका रिवर्स अप्लाई करेंगे और रिवर्स इसका ये होगा कि इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। ये बेसिकली हमारे आज के इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट होगा जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो चलें जी लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं जो आपको आपके क्वेश्चन में दी हुई है। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू असाइन की जाती है और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो बी की वैल्यू बन जाती है और जो बगैर एक्स की वैल्यू होती है वो सी की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हो, यानी इक्वल टू ज़ीरो हो, इक्वल के बाद ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू ना हो। ठीक है, उसके बाद आप एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट ए बना लेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट है ये हमारे पास ए बन जाएगा, जैसे आप ये नीचे देख लें। इसी तरह ये जो है ये एक्स का कोफिशेंट है ये बी की वैल्यू बन जाएगी और ये जो है ये आपके पास सी की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। बट
हमने यहाँ पे इक्वल टू जीरो पुट किया, यानी डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये लिखी हुई है जी, ये बेसिक कंसेप्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर रूट्स इक्वल हों, जैसा कि आपको क्वेश्चन में ये बात बताई जा रही है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो ले सकते हैं, यानी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हम इस बात को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हालांकि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा जीरो होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर देखें स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। खैर, अब हम डिस्क्रिमिनेंट में बी की जगह बी की वैल्यू लगाएंगे 3k, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर 4, देन उसके बाद ए की वैल्यू, उसके बाद सी की वैल्यू, और इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, 4 और 3 दोनों को एट अ टाइम मल्टीप्लाई किया गया है और साथ साइन भी चेंज किया गया है, ये इजीली आप समझ सकते हैं इसको। इक्वल टू जीरो फिर हमने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें से 3 अगर कॉमन ले लें तो 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये चीज बच जाती है, और इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो 3 आपने कॉमन लिया होता है वो दूसरी साइड पे जीरो के नीचे डिवाइड होके और वो खत्म हो जाता है। दूसरी शक्ल में अगर आप ऐसे कर लें कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, अगर दोनों साइडों पे आप 3 3 को डिवाइड कर दें हर वैल्यू के नीचे, जीरो के नीचे भी, तो आपके पास ये चीज इस तरह से भी बन सकती है। ठीक है, कॉमन लेने वाला तरीका भी आपके माइंड में होना चाहिए, ये वाला भी जरूर आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो एक इक्वेशन बनी हुई है के की फॉर्म में, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल जैसे एक्सरसाइज 1.1 में अगर आप याद करें तो वहां पे आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। हमने फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है, इसके ये मिड टर्म ब्रेकिंग में ये इसके दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास। ठीक है, और इन दोनों को हमने सॉल्व किया, यू हमारे पास के माइनस टू इक्वल टू जीरो और 3k-2 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। उसके बाद k की वैल्यू नंबर 1 2 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो ये था बेटा आपका आज का क्वेश्चन, और इस पे क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट यूं सॉल्व कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। चलें, पार्ट नंबर 2 का आप जस्ट एक रिव्यू देख लें स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ से आपको इसका सलूशन करने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 बेटा ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, बहुत ही आसान सा पार्ट है ये भी। इसमें भी देखें, ये आपको इक्वेशन दी हुई है और इसके लिए भी सेम स्टेटमेंट है जो आपको पिछले फर्स्ट पार्ट में दी गई थी के रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें देखें, सबसे पहले हम देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसको ए बनाया। एक्स का कोफिशियंट ये जो था -5 स्मिथ, ये सारा जो है वो बी की वैल्यू बन जाएगी, और ये जो ब्रैकेट है 2k+3 ये सी की वैल्यू बन जाएगी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट था b² -4ac, बट हमने इसको जीरो के इक्वल क्यों पुट किया? क्योंकि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि रूट्स आर इक्वल, तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए। अब बी की वैल्यू हमने ये पुट की, साथ ही स्क्वेयर कर दिया, फिर 4ac में ए और सी की वैल्यू पुट कर दी, -5 का स्क्वेयर अलग से लिया 25, k+1 का स्क्वेयर अलग से लिया, फार्मूला अप्लाई किया a² + 2ab + b², उसके बाद है जी -4 इसी तरह बाहर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। अगले स्टेप में 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर k² वाली वैल्यूज को आपस में सॉल्व किया, k वाली को आपस में और विदाउट k वाली को आपस में, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। दोबारा से इसको आप मिड टर्म ब्रेकिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास इसके दो फैक्टर्स बनेंगे k-1 एंड k-1 इक्वल्स टू जीरो, जिसको हमने बाद में k-1 और k-1 को मिलाया तो ये k-1 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू जीरो।
अगर आप इसको डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर इसकी कर लें तो तब भी ये आ सकता है, ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसको समझ सकते हैं। खैर अब हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका रूट लिया दोनों साइड पे और स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब आपके पास के की वैल्यू आ गई जो कि 1 है, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 जो है इसका, वो आप सब बच्चों ने खुद से ट्राई करना है। इन दोनों पार्ट्स को भी प्रैक्टिस में लेके आए ताकि आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं इनका बेहतर कंसेप्ट समझ आ सके, ठीक है। इसके साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसके रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल्स हैं आपके पास तो उन एग्जांपल्स को भी लाजमी कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 21 पे एग्जांपल नंबर 3 मौजूद है जी, ठीक है। इनसे रिलेटेड उसको भी आपने ट्राई करना है, ठीक है। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।